खजुराहो सांसद व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बीडी शर्मा आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। यहां भाजपा कार्यालय पहुंच आयोजित रीवा शहडोल संभाग पदाधिकारी की बैठक में शामिल हुए। बैठक में पदाधिकारियों से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव में भाजपा इतिहास बनाएगी, विजय संकल्प के साथ मैदान में उतरेंगे और विंध्य जीतेंगे, प्रदेश जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। रीवा पहुंच वो भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां रीवा और शहडोल संभाग के पदाधिकारियों के साथ चुनाव से संबंधित चर्चा हुई। उन्होंने पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीत के संकल्प के साथ मैदान में उतरेंगे और मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा, 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने क्या किया, जो वादे किए थे उनका क्या हुआ, एक मिस्टर बंटाधार और दूसरे करप्शन नाथ, दोनों ने सरकार रहने पर क्या किया, ये सबको पता है। महिलाओं का सशक्तिकरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया है, 1000 रुपए दे रहे हैं, आगामी 10 तारीख को तीसरी किस्त देने जा रहे हैं, यह भाजपा है, जो कहती है वो करती है। उन्होंने बताया, 6 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत योजना अंतर्गत करोड़ों रुपए की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 506 रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश को 27 स्टेशन मिलेंगे। खजुराहो स्टेशन विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा, जिसका भूमि पूजन किया जाना है। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी की रीवा और शहडोल संभाग है, बिंद क्षेत्र हमारा, उसकी आज बैठक है। बैठक में संभाग के हमारे सभी प्रमुख संगठनात्मक जो हमारे पदाधिकारी है, वो आज इस बैठक में हिस्सा लेंगे और प्रमुख हमारी जो संगठनात्मक तैयारी बाकी सारी बातों को लेकर के चुनाव की दृष्टि से आज हम बैठक में हमारी पूरी रणनीतिक तैयारी हमने पहले की और इसमें उन सारी बातों की चर्चा आज करके हम आगामी 2023 के चुनाव का विजय संकल्प लेकर के जो रोड मैप तैयार किया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मैदान में उतरे। कांग्रेस पूरी तरह से अस्वस्थ, वो तो हमेशा बनाते हैं। कमलनाथ रोज मुख्यमंत्री बनते हैं तो बन गए क्या? सपने कोई भी देखे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या जाता है? कुछ किया नहीं है। और अगर 15 महीने में गलती से मौका मिल गया था तो 2003 का मध्य प्रदेश, मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह इस बिंद के अंदर क्या हालात थे, ये बिंद की जनता जानती है। 15 महीने में आपने किस प्रकार से गरीबों को लूटा, किस प्रकार से गरीबों के हक और अधिकार को छीना, तो मिस्टर बंटाधार और मिस्टर करप्शन नाथ इन्होंने क्या किया, ये बिंद की जनता भी जानती है। इसलिए बिंद जीतेंगे, मध्य प्रदेश जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस संकल्प पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, विकास, गरीब कल्याण और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र बूथ बूथ पर जो मजबूती के साथ खड़ा है, हमारी ताकत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है जो हर गरीब के जीवन को बदलने का काम कर रहा है। इस आधार पर हम इस चुनाव में इतिहास बनाने का काम करेंगे। कौन सी रेवड़ी बट रही है? रेवड़ी बांटने का तो ये आश्वासन देते घूम रहे हैं, झूठ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। कांग्रेस ने कभी कुछ किया था 15 महीने की सरकार में, जो आप वादे किए थे किसानों से, नौजवानों से, महिलाओं से, क्या किया था? इनकी सरकार अभी कर्नाटक में बनी, वहां क्या हुआ बातों का? राजस्थान में क्या हालात हैं? यहाँ गलती से आ जाते हैं तो वहां की दुरावस्था का दौर बन जाता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर बहनों के हाथ मजबूत करने के लिए, अगर महिला सशक्तिकरण नहीं, समाज के सशक्तिकरण की भूमिका किसी ने निभाई है, तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों के खाते में 1000 रुपए डालेंगे, तो आज अगली 10 तारीख को तीसरी किस्त आ रही है और 3000 तक जाएगी। तो ये भाजपा है, यहाँ झूठ और छल कपट की राजनीति नहीं चलती। हम जो कहते हैं वो करते हैं और इतिहास फिर बनाएंगे, बिंद के अंदर भी बनाएंगे और मध्य प्रदेश के अंदर भी बनाएंगे। जो कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा, चुनाव जीतना ही क्राइटेरिया है। और एक बात मैं आज और बता देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बना है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, हमारी केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
6 तारीख को अमृत भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि जो 506 रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं उनमें मध्य प्रदेश के 27 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी लोकसभा खजुराहो के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री जी ने खजुराहो के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का 6 तारीख को भूमि पूजन होगा। 260 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खजुराहो रेलवे स्टेशन के लिए दिए हैं। साथ में ही मेरी संसदीय क्षेत्र में ही मैयर कटनी मुड़वारा को 22 करोड़ रुपए, कटनी साउथ को 20.6 करोड़ रुपए और हमारे मैयर रेलवे स्टेशन को 21.4 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत योजना के अंदर स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए और खजुराहो को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए 260 करोड़ रुपए की सौगात जो दिया माननीय प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड को, मेरी संसदीय क्षेत्र खजुराहो को, मैं खजुराहो की जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, बुंदेलखंड की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। 75 साल के ऊपर के विधायकों को क्या दोबारा मौका मिलेगा? मैं क्या कह रहा हूँ, जो चुनाव जीतेगा यही सबसे बड़ा क्राइटेरिया।